हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके चैनल बुक एप्स बाय गौतम ऋषि में आपका स्वागत है। आज मैं टॉप 5 द हिंदू न्यूज़पेपर का बुक एप्स कराने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो चलते हैं। क्या कहता है फिडल? फिडल क्या है? फिडल एक, सबसे पहले कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक नाउन है, ओके, जिसका मैं इंग्लिश मतलब समझाता हूँ, इसका क्या डिफिनेशन होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या होता है, ए वायलिन स्पेशली व्हेन यूज्ड टू प्ले फोक म्यूजिक, जिसका हिंदी मतलब होता है सारंगी बजाना। जैसे आपने बहुत सारा फेस्टिवल हो गया, फोक डांस हो गए हैं, फोक म्यूजिक भारत में बहुत सारे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि सारंगी बजाते हुए देखा होगा, या कोई महोत्सव में देखा आपने देखा होगा कि उसमें क्या बजता है, सारंगी बजता है। दो जो सुनने में कैसा लगता है, बहुत मधुर उसका आवाज सुनाई देता है कि नहीं देता है, तो वही हो गया सारंगी बजाना। फिडल में क्या हो गया, सारंगी बजाना। ओके, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको वोकैब्स पर कमांड करना है ना, तो आप उसको न्यूमोनिक्स के तरीका से आप अच्छा तरह से कैसे समझे और इसको मनन करें, और जो भौतिक दुनिया है ना, ये दुनिया में जो चल रहा है ना, उसे आप जोड़ते रहिए और बार बार उसको जोड़ते रहिए वर्ड को, कि ये परिस्थिति का किस वर्ड से क्या रिलेशन है, तो आपको ये परमानेंट सेटल हो जाएगा दिमाग में। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेहिमेंट, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जिस भी वर्ड के अंत में MENT लग जाता है वह क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ओके, इसका हम डिफिनेशन जानेंगे। तो क्या होता है, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस, मैंने प्रचंड या जोशीला। जैसे आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि DRDO ने एक हेलीकॉप्टर बनाया है जिसका नाम क्या है, प्रचंड है। ओके, जो कि हमारे देश की एयरफोर्स को क्या करेगा, मजबूत करेगा, और आप देख ही रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में कितना बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं जो हमारे देश की रक्षा को और सुदृढ़ करता है। ओके, और क्या मतलब होता है जोशीला, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एग्जाम में क्या होता है, बहुत अच्छा से तैयारी रहता है, तो क्या हम लोग पूरे जोश होश के साथ रहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो पूरा पूरा हम क्या करेंगे, बना देंगे। तो जोश रहता है ना, तो हम लोगों को क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, जोशीला अंदर से एकदम भाव रहता है कि हाँ इसको हम क्या कर देंगे, बना देंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, बेहिमेंट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोलेस, सोलेस एक क्या है, एक सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है, एक नाउन है। ओके, तो इसका मतलब होता है कंफर्ट और कंसोलेशन इन ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस, मैंने मन बहलाना बहलाव। जैसे आपने देखा होगा कि जब एग्जाम कोई नहीं निकलता है तो क्या होता है, मन हमारा डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, डिप्रेशन में हम लोग चले जाते हैं, और कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम बोरिंग लगने लगता है, तो हम क्या करते हैं, मन को बहलाने के लिए क्या करते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, क्या हॉबी जो हमारा रहता है वो हम हॉबी पर कुछ काम कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, म्यूजिक गुनगुना लेते हैं, दोस्तों से यारों से बातचीत करने लगते हैं। ओके, और सबसे पहले दोस्तों ये जरूरी है ना कि मन बहलाने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, आप अपने आप को समझाइए, बार बार पॉजिटिव विचार अपने आप को देते रहिए, तो इससे क्या होगा, मन है ना, जो आपने जो आप कहते हैं ना उसी को सुनेगा, और आपका वो मन क्या हो जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा, और वह पढ़ाई में आपको बहुत मदद करने लगा, वही मन जो हमारा दुश्मन था वो आपका दोस्त हो जाएगा, और एक दिन आपको सफलता जरूर दिला जाएगा। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, सोलेस कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मन बहलाव। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाइवोटल, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जिस वर्ड के अंत में सफिक्स AL जुड़ जाता है ना, वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ओके, तो इस वोकैब्स का हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन समझेंगे कि क्या इसका डिफिनेशन होता है। मेरे दोस्त, कोई भी आप वर्ड जानिए ना, तो उसका डिफिनेशन जानिए कि इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिएगा ना, तो आपको और भी कंसेप्ट सीखिएगा, और अगर आपके पास बहुत अच्छा वोकैब्स का डिमांड हो गया, मैंने
आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ गया बुक एप्स का, तो आपको नए नए आपका क्यूरोसिटी आएगा, नए नए थिंकिंग आएगी, नया नया क्रिएटिविटी आएगा, नया नया आइडियाज आएंगे, नए नए विजन आएंगे। ओके, तो आपका ये है बुक एप्स पढ़ने का फायदा कि आपको क्रिएटिविटी आएगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगा, टेक्निकल पावर बढ़ेगा, थॉटफुल पावर बढ़ेगा, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। ये क्या है, नए नए जब हम शब्दों को सीखते हैं ना, तो ये हमारा थॉट सोचने की शक्ति हम लोगों को क्या होता है, बढ़ता है। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है, पाइवोटल, जिसका हम इंग्लिश हम डिफिनेशन क्या होता है इसको समझेंगे, ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट, मैंने बुनियादी। जैसे हम लोगों को कोई भी अगर हम लोग को SSC की तैयारी करना होता है तो क्या है बुनियादी, इसका सब्जेक्ट क्या है, आपके पास मैथ पर कमांड होना चाहिए, आपका इंग्लिश पर कमांड होना चाहिए, आपका रीजनिंग पर कमांड होना चाहिए, आपका GK पर कमांड होना चाहिए, करेंट अफेयर्स पर कमांड होना चाहिए, टाइपिंग पर कमांड होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज पर कमांड होना चाहिए। तो ये क्या है, बुनियादी ढांचा है कि आप इस सारे विषयों पर क्या होना चाहिए, आपका पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। और जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बुनियादी ढांचा जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, तो क्या किया जाता है, आगे बुनियादी ढांचा उसको तैयार किया जाता है, आगे नीचे बेसमेंट तैयार किया जाता है पिलर्स के द्वारा। और जब यह बेसमेंट मजबूत होता है तो क्या होता है, वह बिल्डिंग भी अच्छा से टिक पाता है। ओके, तो इसी का मतलब क्या हो गया, बुनियादी। ओके, आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है, डिफियंस, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, जिस वर्ड के अंत में सफिक्स ANCE जुड़ जाता है ना, वो क्या होता है, एक नाउन होता है। ओके, इसका मतलब मैं डिफिनेशन आपको समझा देता हूँ, क्या कहता है, ओपन रेसिस्टेंस, बोल्ड डिसोबिडियंस, चुनौती अवज्ञा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर आपके छोटा भाई कोई आप कहते हो कि ये काम करो और वो आपकी बातों की अवज्ञा करता है, तो क्या करते हैं आप लोग, उसे डांटते हैं, पटते हैं, पीटते भी हैं, करते हैं कि नहीं। जैसे आप लोगों को भी जिंदगी में डेवलपमेंट चाहिए ना मेरे दोस्त, अगर एग्जाम में चाहिए तो अपने आप को चुनौती दीजिए कि हमको आज इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको चुनौती दीजिए, और अपने मन को चुनौती दीजिए कि हाँ मैं अपने मन को कहिए कि इतना हमको बनाना है, अगर नहीं ना बनावे तो आप सेल्फ पनिशमेंट दीजिए, अगर सेल्फ पनिशमेंट अपना देना सीख गए ना, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, और सेल्फ डिसिप्लिन जब आ जाता है ना, तो उसे कोई आदमी आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, चुनौती या अवज्ञा करना। ओके, सर आजकल देख सकते हैं कि आज बहुत सारे भारत में चुनौतियां हैं, जैसे भारत का मेडिकल फैसिलिटी क्या है आप देख सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं चुनौती है कि नहीं, आज देख सकते हैं कि बॉर्डर पर चुनौती है चाइना से, पाकिस्तान से, और देख सकते हैं कोरोना के केसेस हैं, आप देख सकते हैं महंगाई कितनी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है। ये क्या है, हमारे देश के लिए क्या है, डिफियंस है। डिफियंस मतलब क्या है, एक चुनौती है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको पूरी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल बुकएब्स बाय गौतम ऋषि।